गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बच्चों, आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से हम फोर्थ टर्म सिलेबस यानी कि आज से आपका फोर्थ टर्म की क्लासेस शुरू होने वाली है। थर्ड टर्म खत्म हो गया है, आपके एग्जाम भी थर्ड टर्म के ओवर हो गए, तो अब हम फोर्थ टर्म की तरफ पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्टली आज आपकी कौन सी फर्स्ट क्लास चलेगी? सबसे पहले हम आज हिंदी क्लास लेंगे। ओके, फर्स्टली आप डेट मेंशन करेंगे। व्हाट इज डेट टुडे? डे 16/1/2023 और डे क्या है? मंडे। ओके, फर्स्टली आप अपनी कॉपी निकालेंगे और वहां पे डालेंगे हिंदी। ओके, और आज हम किसकी मात्रा पढ़ेंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, बट मैं आपको एक बार और इसको रिवाइज करवा दूं। ओके, सो हम क्या पढ़ेंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा। मात्रा बनाएंगे तो इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, अब चंद्र बिंदु की मात्रा मैंने आपको पढ़ाई, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चंद्र बिंदु हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आप अपने कॉपी में क्या करेंगे, हिंदी लिखने के बाद ये आप हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद आप चंद्र बिंदु से 10 शब्द लिखेंगे अपनी कॉपी में। ओके, 10 शब्द चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु से 10 मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा 10 शब्द आपको लिखेंगे और उसे लिख के पिक क्लिक करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। सो हमारी नेक्स्ट क्लास क्या है? इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश में आज हम लोग का टॉपिक क्या है? यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन, इन मतलब क्या होता है? इन मतलब होता है अंदर, किसी चीज के अंदर। यानी जैसे मान लीजिए केज, केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा होता है, या फिर जार हो गया, या फिर मतलब कोई ऐसे, या फिर बस हो गई, बस में लोग जाते हैं तो उसके बाद से कैसे मतलब लोग बस के अंदर होते हैं तो हम बोलते हैं ना इन बस, अ मैन इन अ वैन। ठीक है, वैन के अंदर हो गया, या फिर टेबल के अंदर हम चीजें कह सकते हैं, चेयर के अंदर, अलमीरा होता है उसके अंदर हम सब सामान रखते हैं तो कहते हैं कि उसके अंदर है, तो अंदर मतलब इन। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है? अंदर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंदर। हम कोई भी चीज कहीं हमको रखना है तो हम जैसे मम्मी से कहते हैं कि मम्मी अलमीरा में रख दो, मम्मी टेबल के अंदर रख दो, तो उसमें क्या है? अंदर, मतलब बार बार अंदर वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? इन होता है। ओके, सो आपको क्या करना है? सो ये आप अपनी बुक पहले निकालेंगे, इंग्लिश प्री प्राइमरी बुक। ओके, उसके बाद से पेज नंबर 62 आपको राइट द मिसिंग वर्ड, ये आपको अपनी बुक में करना है और इसको आपको अपनी कॉपी में भी करना है। ओके, आप इसे करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने बुक में भी और कॉपी में दोनों में करिएगा। ओके, सो हमारी अब नेक्स्ट क्लास कौन सी है? पिक्चर बुक की। किसकी? पिक्चर बुक की। एवरीवन ओपन योर पिक्चर बुक एंड ओपन पेज नंबर 25, चैप्टर 24, प्लेसेस इन नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास की जगहें। ओके, सो फर्स्ट आपका आएगा रेलवे स्टेशन। हमारे घर के आसपास क्या पड़ता है? रेलवे स्टेशन होता है ना। हम रेलवे स्टेशन पे हमको कहीं जाना होता है, हमें ट्रेन पकड़नी होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? रेलवे स्टेशन जाते हैं। ओके, रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा एयरपोर्ट।
ओके। एरोप्लेन देखा है, एरोप्लेन कहाँ उड़ती है, कहाँ कौन सी जगह पे जाती है, एयरपोर्ट। हमें एरोप्लेन पकड़ने के लिए, हमें फ्लाइट लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, एयरपोर्ट जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आपके स्कूल में भी है, आपके आसपास कहीं, आपके घर के आसपास भी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे लाइब्रेरी होगी। लोग पढ़ने जाते हैं अपना टाइम, जिसको लगता है कि हमें पढ़ना है, हमें घर पे शांति नहीं मिली, तो वो लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं, क्योंकि घर के आसपास भी लाइब्रेरी होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे लोग पढ़ाई करने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब हमारे लिए जो चिट्ठियाँ आती हैं या हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी को इमरजेंसी में सेंड करना होता है तो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा बस टर्मिनल। बस टर्मिनल यानी कि जो बस स्टैंड होती है जहाँ पे हमें बस पकड़ना होता है, हमें बस के लिए जाना होता है, कहीं हमें जाना है तो हमें एक दो घंटे के लिए जाना है तो हम बस पकड़ते हैं, तो हमें कहाँ जाते हैं, बस टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भी हमारे घर के आसपास होता है, किसी को FIR कराना हो, किसी को कुछ करना हो, चोरी चकारी होती है तो लोग वहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा बैंक। बैंक हम जाते हैं, बैंक हम किस लिए जाते हैं, हमें अपना पैसा जमा करना होता है या फिर कोई हमें कीमती चीज़ वहाँ पर बैंक में रखनी होती है तो हम बैंक जाते हैं। हॉस्पिटल हमारे घर के पास होता है, हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमें चोट लगती है, हमें कुछ भी होता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है सिनेमा हॉल। हमारे घर के आसपास, हमारे सिटी में, हमारे हर जगह पे एक हॉल होता है सिनेमा, जहां हम मूवी देखने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। ओके, सो आप लोग को ये चैप्टर लर्न करना है, लर्न करके एक वीडियो बना के मुझे सेंड करना है। चैप्टर 24 पेज नंबर 25 प्लेसेस इन नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास की चीज़ें। ओके ओके बच्चों, सो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। आप लोग अपने वर्क कंप्लीट करिएगा, वीडियोस बनाइएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।